आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कल से शुरू हो गई है। इस बार दरों पर आरबीआई का क्या रुख होगा, कहां होगा पॉलिसी का फोकस, इस पर एक बैंकर्स का पोल आया है। क्या निकल कर आया है इस पोल में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ ये आंकड़ा कहता है, ये पोल क्या कहता है। कल आने वाली पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है और 80% जानकारों का यही मानना है कि करीब 25 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट देखने की कल संभावना है। वहीं 20% का यही भी मानना है कि शायद कोई बदलाव ना देखने को मिले और इस बार स्टेटस को रहे। आने वाली पॉलिसी में कुछ रेट कट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी का ये मानना है कि कल ब्याज दरों में कटौती की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। फिर अगला सवाल हमारा यही था कि इस पूरे वित्त वर्ष यानी कि FY20 में कितना रेट कट देखने की संभावना है, तो यहाँ पर करीब 67% जानकारों का यही कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी कि करीब 0.5% की कटौती देखने को मिल सकती है इस पूरे साल। वहीं 33% जानकार ये भी कह रहे हैं कि केवल 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ही आरबीआई की तरफ से देखने को मिलेगी। तो ये कंसेंसस जो है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की तरफ ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगला जो हमारा सवाल था वो आरबीआई के रुख को लेकर था कि जो टोन रहेगा आरबीआई का इस पॉलिसी वो किस तरह का रहेगा महंगाई को लेकर। तो यहाँ पर भी 67% जानकारों का ये कहना है कि न्यूट्रल टोन रहेगी आरबीआई की। 33% जानकार कह रहे हैं कि नर्म, लेकिन हॉकिश कॉमेंट्स यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी कि न्यूट्रल से डविश यानी कि नर्म रुख रह सकता है आरबीआई का महंगाई को लेकर। अगला सवाल हमारा पॉलिसी ट्रांसमिशन को लेकर था, रेट का ट्रांसमिशन को लेकर था कि SBI के बाद, क्योंकि SBI ने ये निर्णय ले लिया है, उन्होंने रेपो रेट को लोन रेट से लिंक कर दिया है और 1 मई से ये बदलाव लागू भी हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल यही था कि क्या इस तरह का कदम आने वाले समय में जल्द ही क्या कुछ और बैंक्स की तरफ से देखने को मिल सकता है। वैसे तो ज़्यादा जन कुछ यहाँ पर आउटकम निकल कर नहीं आया और कुछ कह नहीं सकते, इस तरह का बयान आया सभी बैंकर्स की तरफ से और सभी जानकारों की तरफ से, लेकिन ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, फोकस होगा इस RBI के बाद, इस पॉलिसी के बाद सभी बैंक्स इसके बाद किस तरह का रुख अपनाते हैं पॉलिसी ट्रांसमिशन को लेकर, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला सवाल हमारा ये था कि आने वाले समय में ये जो पॉलिसी आने वाली है उसमें फोकस पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि लिक्विडिटी को बनाए रखने पर आरबीआई का फोकस रहेगा। अगला जो है वो महंगाई दर को लेकर किस तरह के कमेंट्स आते हैं इस पर नजर रहेगी, और NPA और स्ट्रेस्ड एसेट को लेकर क्या कमेंट्री आती है ये भी फोकस में रहेगा। साथ ही साथ ग्रोथ को लेकर भी किस तरह के कमेंट्स आते हैं यहां पर भी फोकस रहेगा आरबीआई का इस पॉलिसी।